ललितपुर में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों का जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने एक नाबालिग और एक महिला को मृत घोषित कर दिया। दरअसल घटना कोतवाली महारौनी क्षेत्र के ग्राम झिल्ला के आसपास की है जहां तेज रफ्तार गाड़ी के सामने अचानक ट्रैक्टर आ जाने से हादसा हुआ जिसमें दो की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए। बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज।